A very good evening to everybody. So myself Rasa Rajoria, I'm an online educator for UGC NET paper 2 geography. So aaj hum discuss karenge a very important topic, how these deltas are formed. Any idea, anything, any idea you know about it, how deltas are formed? So basically deltas, these are the depositional feature. ठीक है, depositional feature है, जाहिर सी बात है, depositional feature है, तो ये last stage में देखने को मिलेगा. ठीक है, last stage of the river. क्योंकि अब आप देखिए, सी दिस इज द डेल्टा. ये जो भी आपको ये जो एक्युमुलेटेड पोर्शन दिख रहा है, इट्स लाइक अ ट्री ब्रांचेस. ब्रांचेस तो है, ये तो हमारी रिवर शो कर रहे हैं, दीज आर द रिवर्स. ठीक है, और ये जो ग्रीन एरिया है ये दिखा रहा है लैंड एरिया और दी एक्युमुलेटेड सेडिमेंट. ठीक है, ये दिखा रहा है एक्युमुलेटेड सेडिमेंट्स कि कैसे सेडिमेंट्स या पत्थर या मिट्टी कैसे यहाँ पर आकर जम गई. ठीक है, समय के साथ साथ. और यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं, ये ज्यादातर कहाँ देखे जाते हैं, एस्चुरीज के पास, एट द माउथ ऑफ रिवर. ठीक है, माउथ ऑफ रिवर यानी कि माउथ ऑफ रिवर मतलब जहां पर नदी और समुन्दर का संगम होता है उसको माउथ ऑफ द रिवर के नाम से जाना जाता है. ठीक है, चलिए अब इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं. अब आप देख सकते हो बच्चों, ये एक एनिमेटेड डायग्राम है, यू कैन सी, इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे नदी के नीचे आप देख रहे हो ये जो कण है, ये बड़े बड़े पत्थर भी हैं, सेडिमेंट्स भी हैं, लूज पार्टिकल्स भी हैं, बहुत ही छोटे कण भी हैं, निलंबित कण भी हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, पेबल्स, पॉबल्स, एवरीथिंग यू कैन फाइंड है. और यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैसे पानी के साथ साथ ये चीज भी आगे की ओर जा रही है. तो जाहिर सी बात है, जिस स्पीड से पानी जाएगा उसी स्पीड से एक समय के बाद व्हेन देयर विल बी नो वेलोसिटी, व्हेन द वाटर इज स्टिल, जब पानी बिल्कुल थम जाएगा तो ये जो सेडिमेंट्स, ये जो पत्थर आप देख रहे हो, ये एक जगह पर आकर रुक जाएंगे. ठीक है, जिससे हमें क्या देखने को मिलेगा, डेल्टास. ठीक है, ओके. सो इन इंडिया यू कैन सी दैट देयर आर मेजर डेल्टास. यू कैन सी हियर वी हैव कावेरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बेतरकनिका एंड सुंदरबन डेल्टा. ठीक है, और आप देख सकते हो कि कैसे ये सारे के सारे आपको कोस्ट लाइन पे दिख रहे हैं. इसका मतलब जहां पर वेयर माउथ ऑफ द रिवर, और मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया, माउथ ऑफ द रिवर मतलब वेयर रिवर मीट्स सी, जहां पर नदी और समुद्र का मंथन होता है उसको हम माउथ ऑफ द रिवर या नदी के मुंह के नाम से जानते हैं. और आप देखो कि ज्यादातर डेल्टा माउथ ऑफ द रिवर के पास में ही मिलेंगे. ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारी, दिस इज आवर क्लासेस, ये मेरी क्लासेस का स्केड्यूल है और आप देख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, ये मेगा सेशंस लेकर आऊंगी हर संडे सुबह 11 बजे. दीज आर दी टॉपिक्स जो आप देख सकते हो आने वाले सेशंस में हम जो पढ़ेंगे. ठीक है, उसके साथ एक और बम्पर प्राइज है आपके लिए, पेड क्लासेस है हमारी, सुबह 9 बजे और 8 बजे होती है, मंगलवार से लेकर शनिवार तक, यानी कि टोटल 10 क्लास होती है हमारी एक सप्ताह में. और फ्री क्लासेस हमारी होती है शाम 7:15 बजे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे. ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा इन सभी दिनों में. और मैं आपके लिए संडे भी लेकर आ रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, मेगा सेशन. ठीक है, जिसके अंदर हम पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. आपके सामने टाइम टेबल है, आप ये टाइम टेबल के अनुसार मेरे साथ YT पर यानी YouTube पर जुड़ सकते हैं. और ये मेरा ग्रेड अप फ्री क्लासेस का चैनल, जो टॉपिक है जो भी हमने पढ़ा है, यानी कि 3 तारीख तक ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुकी हूँ. आने वाले टॉपिक्स आपके सामने है, ये 8, 9, 10, there is some mistake, so मैं इसको चेंज कर देती हूँ, 8, 9, 10. ठीक है, इंडस्ट्रीज, वेबर की थ्योरी पढ़ेंगे, लॉश की, ई ब्रेड की और डीएनस. ठीक है, 14 जुलाई के बाद मैं आपके लिए सीरीज लेकर आ रही हूँ ज्योग्राफी. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन. बाय एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे.